पिछले वीडियो में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेव। फूड वेव इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड वेव एंड व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस। ऐसे क्वेश्चन आने से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तीन ग्रुप में बांट देंगे। फर्स्ट में आपको डेफिनेशन डालना है, नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद आप एग्जांपल डालेंगे और इंटरकनेक्टेड इसका डायग्राम से इसको शो करना और फाइनली इम्पोर्टेंस शो कर देना। तब आपका एक फूड वेब का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो सबसे सिंपल में आपको समझना है कि ये फूड वेब है क्या। फूड वेब सिंपल में कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। एग्जैक्ट डेफिनेशन, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम दैट आर कनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिम्स ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी। एक प्रोड्यूसर लेवल से अगर आप फूड चेन स्टार्ट करते हो तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर को अगर कोई हर्बीवर्स खा रहा है तो नेक्स्ट उसको कोई और भी तो खा सकता है ना। तो इंटर कनेक्शन इसमें आपको दिखाना है। प्लांट्स ईटन बाई रैबिट एंड रैबिट इज ईटन बाई हॉक, एक फूड चेन तैयार हो गया। नेक्स्ट फूड चेन आप वहीं से शो कर देंगे कि प्लांट्स ईटन बाई रैट एंड रैट ईटन बाई हॉक। अगर थर्ड नंबर अगर आप उसी में कनेक्शन दिखा सकते हैं कि प्लांट्स ईटन बाई माइस और रैट एंड रैट ईटन बाई स्नेक, स्नेक ऑल्सो ईटन बाई हॉक। तो इस तरह से एक आपका फूड वेब तैयार हो रहा है जिसमें कई एक फूड चेन के एग्जांपल को इंटरकनेक्टेड करके शो कर देना है। तो वही हो गया आपका फूड वेब। ग्रास को अगर डियर खा रहा है तो डियर को लाइन खा सकेगा। ग्रास को डियर खा रहा है जैकल भी खा सकता है। तो ये आपने इंटरकनेक्टेड हो गया, इसी को कहते हैं फूड वेव। फूड वेव हैज़ मेनी इंटरक्रॉसेज एंड लिंकेज अमंग द वेरियस स्पीसीज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन इट। This means that the various food chains in an ecosystem do not operate in isolation. They operate in the form of a network of food chains that is called food web. Example, आपकी समझ में आ ही गया होगा और figure आप कैसे बनाओगे ये आप समझ गए। Next, importance of food web. पॉइंट नंबर वन, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी एंड पॉइंट नंबर टू, इट अलाउज इंडेंजर्ड पॉपुलेशंस टू ग्रो इन साइज एंड पॉइंट नंबर थ्री, फूड वेव्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम एंड हेल्प इन इट्स डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर वन में आपने देखा कि एक अल्टरनेटिव पाथवे फूड चेन का एक और अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। इंडेंजर्ड पॉपुलेशन जो जिनकी संख्या घट रही है और इंडेंजर्ड है संकट में है उनको भी ग्रो करने का ये मौका मिल रहा है। एंड पॉइंट नंबर थ्री में है कि फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम एंड हेल्प इन इट्स डेवलपमेंट। तो तीन पार्ट में बांट के आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे। थैंक यू।